का बात सुने और मुझे उम्मीद है कि सभी शिक्षक गण का कहा हुआ बात को आप जो है फॉलो करेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर आप चलेंगे। और अंत में मेरी भी कुछ मनोकामना है आपके लिए जो बताना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जिंदगी में बिछड़ना एक वर्ड है, वो बहुत उस वर्ड से बहुत एक अर्थ दुखद टाइप का निकलता है। और बेशक हम लोग जो लास्ट में फेयरवेल के समक्ष जो हम लोग सम्मिलित हुए हैं, वाकई एक रुला देने वाला समय है, एक बहुत दुख वाली समय है। लेकिन फिर भी हम लोग जो है इसको लास्ट टाइम में मिल रहे हैं, फिर भी एक तरह का एंजॉयमेंट भी होना जरूरी है और दूसरा बात भी गम भी जरूरी है। अगर मान लिया जाए कि अगर जिंदगी में सिर्फ सुख ही सुख हो तो लाइफ अच्छा नहीं हो सकता है। लाइफ का मतलब ही होता है दुख और सुख दोनों। जैसा कि अभी तक के हम लोग जो भी जुड़े हुए थे, डेली रेगुलर क्लास चलता था, सभी सब्जेक्ट क्लास होता था, टेस्टेस होती थी इतनी सारी, हम लोग एक दूसरे से बहुत क्लोजली जुड़े हुए थे। लेकिन आज के बाद से शायद ऐसा क्लोजली ना जुड़ना है। देखो, मिलना तो अलग बात हो जाता है कि चलिए क्लासेस चल रहा है, आप आए, बात हो, मिल लिए। लेकिन अगर क्लासेस चल रहा है, वहां पर डेली मुलाकात होना, पढ़ाई के संबंधित सारे बात होना, तो ये शायद अब नहीं हो पाएगा। तो ये तो फेयरवेल अलविदा हम लोग नहीं रहे हैं, लेकिन साथ में साथ हम लोगों की तरफ से आप लोगों के लिए ये दुआ है कि आप लोग इसके बाद बहुत आगे। देखो, पढ़ाई का तो अंत कभी नहीं है। पढ़ाई, टीचिंग एक ऐसा वर्ड है जो कभी भी एंड नहीं हो सकता है। आप जिंदगी भर चाहे तो पढ़ाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद जो भी आप पढ़ाई करें, जहाँ कहीं भी जाएं, वहाँ पे आप अपने आप को 100% देने का प्रयास करें। जहाँ कहीं भी रहें, अपने आप को सबसे बेस्ट समझने का प्रयास करें। दूसरी बात, यदि आप लोगों का एग्जाम है तो माइंड पे स्ट्रेस होना ये आम बात है, ये कॉमन चीजें हैं, ये हमेशा होते रहता है। आपके अंदर कितना भी एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने भी बहुत 10th पास किया, 12th पास किया, ग्रेजुएट पास किया, और अभी भी हम लोगों का बीएड का एग्जाम होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप कितना भी एग्जाम्स कर लो, लेकिन आपको तो वो स्ट्रेस वाली चीजें सताएगी, क्योंकि आप जो भी क्लास करेंगे, जो भी नया एडमिशन लेंगे, वो आपके लिए एक नया होगा। आप लोगों ने 10th पास किया था, बेशक आप लोगों ने 10th में एग्जाम दिया होगा, आप लोगों को कुछ आइडिया लगा होगा, लेकिन उसके बाद जो 12th क्लासेस है, आप लोगों का वो अभी एग्जाम्स देंगे तो उसके क्वेश्चंस अलग होंगे, उसका पैटर्न अलग होगा। तो कहीं ना कहीं आपको वो बर्डन सताएगा ही सताएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा बेशक, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा उसके लिए कंट्रोल भी जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट तो इतने सारे बर्डन समझने लगते हैं कि बर्डन के वजह एग्जाम में जाकर लिख नहीं पाते हैं। तो इन सारी चीजों से दूर रहना है। और जो भी तुम्हारा रूटीन वाइज निकला हुआ है, किस स्टेट में किस चीज का एग्जाम है, आप उस चीज को लेकर आप प्रिपेयर करिए, अपने आप को 100% प्रिपेयर करके जाइए। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, आपको उसका हाफ आंसर करना है। सबसे बढ़िया बात है कि आपको हाफ ही आंसर करना है, और हाफ में भी आप एक भी क्वेश्चन न छोड़ पाए। देखो, रिजल्ट बनाना तो आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे क्वेश्चंस का आंसर करते हो, आपका लिखने का क्या तरीका होता है, आपका हैंडराइटिंग बढ़िया होना चाहिए, थोड़ा सा ब्लू टाइप पेन लेकर जाएंगे, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप को उससे करेंगे, जहाँ टॉपिक देना होगा वहाँ पे ब्लैक का इस्तेमाल करेंगे, और उसके नीचे जो भी पॉइंट्स होगा उसके बारे में हम ब्लू का यूज करेंगे। तो ये सब सारा चीज जो है एक आपको अलग दिखाता है, और जो भी कॉपी चेक करने वाले जो सर होते हैं उनको एक अट्रैक्टिव कॉपी दिखता है और नंबर अच्छा देते हैं, ये एक नेचुरली है। तो आप इसको फॉलो करिएगा। और आज के बाद भी चूंकि 1 तारीख को एग्जाम है, तो आज हम लोगों का 27 तारीख का फेयरवेल है, तो अभी भी 2 से 3 दिन तक टाइम है। तो आप इधर वाला टाइम आपको सभी सब्जेक्ट को लेकर प्रिपेयर करना है, और बाकी एक तारीख है, उसके बाद 2 तारीख है, 3 तारीख है, उसके अकॉर्डिंग अपने आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप देखकर जाइए, अच्छे लिख कर आइए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी का रिजल्ट बेहतर होगा, और इसके बाद भी आप अच्छे रास्ते चुनिए, जो आपकी इच्छा है। सब अलग अलग स्कोप है, अगर आप अच्छे आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, आप हमसे जो है ले सकते हैं सलाह कि सर इसके बाद क्या मेरे लिए सही रहेगा, आपका कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट का चॉइस है, आप उस सब्जेक्ट को चॉइस करिए और उसमें बेहतर करिए। इस तरीके से 12th के बाद भी हमें अच्छा करना है, यानी जिंदगी में
हम लोगों को देखो कुछ नहीं है, बस आप उसके लिए जितना हो सके अपने आप को 100% दीजिए और वो अच्छा होता चला जाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि एक पेड़ को स्ट्रोंग होने के लिए उसका जड़ का स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है, यानी कि वो अपना आधार को स्ट्रोंग करेगा। इसलिए हम लोग आगे के जितने भी पढ़ाई करेंगे हम लोग ये प्रण कर लेंगे कि 12 पास करना है, उसके बाद जो भी पढ़ाई करना है उसकी स्टार्टिंग से फोकस करना है और बेस्ट करना है। तो ये सारी चीजें हैं और उसके बाद तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि आज अगले दिन से हम लोगों का मुलाकात नहीं होगा, उस बात से थोड़ा अच्छा अभी तो चलेगा ही, लेकिन हाँ अच्छे से लिख कर आइए और इन्हीं सभी सारी बातों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं।